तीन टुकड़े और एटमी सांसों से महरूम हो सकता है। आसिफ जरदारी ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये मोदी की जबान है, हमारी नस्लों के जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं। देखें, बात सुने, ये लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग, ओवर एक्टिंग और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ढोंडे तरीन अंदाज में ये मुहब्बे वतन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सुकूते ढाका हमारी नस्लों के होते हुए, आपके बुजुर्गों के होते हुए पाकिस्तान दो लख्त हुआ, बांग्लादेश बना, सुकूते ढाका हुआ, फिर क्या हुआ वो याद नहीं? ये सारे जख्म बड़े ताज़ा हैं। कोई बहुत बेहिस बेहया आदमी होगा जो ये भूल सकता होगा? देखो, हम वो कौम है जो बुरी तरह सांप की डसी हुई है, और एक मुहावरा है कि जो सांप से डसा जाए वो रस्सी से भी डरता है। तो ये वक्त है हमारे लिए रेड अलर्ट का, कोई शक नहीं है। जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, आप ऑन योर टोस, आधा मुल्क गंवाने के बाद, मतलब उसने अगर कह दिया तो कौन सी क्यामत आ गई है? गुजरे नहीं हो इस मरहले से, और उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है आपको। और हाल आज मुल्क का क्या है कि इक्तसादियात से लेके अखलाकियात तक का जो हाल है वो सामने है, और यही दो गाड़ी के पहिए होते हैं किसी मुल्क में, नंबर वन अखलाकियात, नंबर टू इक्तसादियात। दोनों पहिए टूटे हुए हैं, पंक्चर नहीं है, टूटे हुए हैं, स्टेपनी मौजूद नहीं है। तो अगर इमरान खान ने ये बात कर दी, नागवार गुजरती है, तकलीफ होती है। डॉक्टर जब कहता है कि जी अब दुआई करें, तो जाहिर है दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन उसने एक तशखीस की है। यकीनन उनके बयान को गलत रंग देकर बयान करने की कोशिश नहीं, गलत सही की बात नहीं, मैं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। गलत सही को छोड़ें, मैं तो सीधी सादी दलील हो रहा दे रहा हूं कि आप इस अजाब से गुजर चुके हो, हमारी नस्लें, और भाई तुमसे बड़ी नस्लें ये कर गई हैं। जी यकीनन जी, के उनके बयान को ज्यादा ही गलत रंग देने की कोशिश की, लेकिन हसन साहब इस पर अब वो उनके इस बयान के ऊपर मुकदमे बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, इस मुल्क को जो लोग इस हाल तक आए, हुआ क्या है, जिसको जितना वक्त मिला उसने उतना ही बेड़ा गर्क किया। सो बैठ के वर्कआउट कर लो, उसी हिसाब से गद्दारी के मुकदमे चलाओ, मुकदमा नहीं मुकदमे चलाओ, उसी हिसाब से सजाएं दो जो 30-30, 40-40 साल से सवार हैं इस मुल्क की सियासी गर्दन पे, उनको उनका हिस्सा दो, इमरान का बनता है उसको दो, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन इंसाफ करो, गद्दारी के नाम पे गद्दारी मत करें, लॉजिक से बात करें, दलील से बात करें। ठीक हसन, दूसरी जानब इस पर मरियम नवाज ने कहा है कि हमने भी फौज पर तनकीद की, लेकिन मुस्बत